बड़ी खबर आ रही है अंधेरी पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जहां होने वाले उपचुनाव में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि यहां निर्विरोध उपचुनाव कराने पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की आम सहमति बन गई है, जिससे ऋतुजा रमेश लटके की जीत का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि पहले यहां मुख्य लड़ाई शिंदे गुट और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार मुरजी पटेल और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके के बीच मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े फैसले के बाद अब अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तस्वीर ही बदल गई है। कुल मिलाकर उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके के सामने जो एक बड़ी चुनौती उपचुनाव को लेकर थी, अब वो आसान हो गई है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, जिसमें कौन सा पाशा बीजेपी फेंकना चाहती है इसको लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे बीजेपी और शिंदे गुट का नया राजनीतिक दांव बता रहे हैं।